Family relationship chapter number 1 of class 4th SST. Hello guys, welcome in Study Academy 98. So as we were doing our chapter number 1 of class 4th family relationship, so let us start it and continue our topic. We have done तो हम लोग ने पढ़ लिया था कि जो अंगद है वो अपने फैमिली मेंबर के साथ रहता है और वो उसे बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन देते हैं. ओके, फिर हम लोग ने पढ़ा था कि जो फैमिली है वो मैरिड कपल और उनके चिल्ड्रन को कंसिस्ट करती है. फिर हम लोग ने पढ़ा था कि जो चिल्ड्रन है वो जो बिग मेंबर्स होते हैं वो चिल्ड्रन एंड बीमार लोगों का एंड ओल्ड मेंबर्स का ख्याल रखते हैं और ढेर सारा लव एंड रिस्पेक्ट करते हैं. फिर आप लोगों ने मैंने आपको बताया था कि जो मेंबर हैं हाउस फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस होल्ड चॉर्स ये सब शेयर करते हैं. फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि अच्छी फैमिली से मीन्स गुड बिहेवियर से जो गुड बिहेवियर होते हैं मोरल वैल्यूज होती हैं स्किल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स अपने फैमिली मेंबर से चिल्ड्रन सीखते हैं. सो अब हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट फैमिली के बारे में. तो जॉइंट फैमिली हैज पेरेंट्स एंड देयर मैरिड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली लिविंग अंडर सेम रूफ. मोस्टली दे शेयर अ कॉमन किचन एंड होल्ड अ कॉमन प्रॉपर्टी शेयरिंग स्पेस टीचिंग चिल्ड्रन कॉपरेशन लिविंग इन हारमोनी एंड केयरिंग फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली. अब जो जॉइंट फैमिली है उसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके मैरिड चिल्ड्रन होते हैं जो एक साथ रहते हैं. और जो जॉइंट फैमिली बहुत वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितनी भी न्यूक्लियर फैमिली को कंसिस्ट कर सकती है और इसके सारे मेंबर एक ही घर के नीचे एक ही छत के नीचे रहते हैं एक ही घर में एक ही छत के नीचे. और ये अपने ये किचन को शेयर करते हैं और कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करते हैं. शेयरिंग स्पेस टीचर्स द चिल्ड्रन कोऑपरेशन. जो हम स्पेस शेयर करते हैं वो चिल्ड्रन को कोऑपरेशन सिखाता है हारमोनी में रहना सिखाता है एक दूसरे के साथ केयर करना सिखाता है. न्यूक्लियर फैमिली consist of a married couple and their unmarried children. The nuclear family है वो married couple and उनके unmarried children को consist करती है. In a nuclear family, the parents and siblings provide all the support, companionship and advice to the children as their cousin, uncle, aunt and grandparents do not live with them. अब जो nuclear family में है वो married couple और उनके unmarried children consist करता है. और न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स हैं एंड सिबलिंग्स जो हैं जो उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उन्हें एडवाइस करते हैं और उनके कजन अंकल आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ नहीं रहते हैं. देयर इज अ ग्रेटर अट्रैक्शन अमंग द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन इन अ न्यूक्लियर फैमिली. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होता है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के साथ क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो हम लोग सबके साथ रहते हैं तो सबके साथ एट्रैक्शन होता है. तो न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो उनसे ज्यादा एट्रैक्शन होता है. अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट एंड द न्यूक्लियर फैमिली. अब डिफरेंस देख लेते हैं जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली में. जॉइंट फैमिली हैज देयर मैरिज चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर लिविंग अंडर द सेम. अब जो जॉइंट फैमिली है उनके पास उनके मैरिड चिल्ड्रन होते हैं और वो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिली में मैरिड कपल होते हैं और पर उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं. अब जॉइंट फैमिली में मेंबर कौन कौन से होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट कजन एंड देयर चिल्ड्रन. और न्यूक्लियर फैमिली में एक जस्ट सॉरी यहाँ पे ओनली मदर पेरेंट्स आ रहा था यहाँ पे पेरेंट्स एंड देयर सिबलिंग्स. ओके, सो अब अंगद फ्रेंड पार्ट. अब हम लोग अंगद के फ्रेंड के बारे में जानते हैं पार्ट. अंगद जो है वो अपने फ्रेंड पार्ट के हाउस में गया
उसकी एक बेबी सिस्टर हुई थी श्वेता। अब जो पार्थ है उसने बताया कि वो अपने मदर की वो अपने मदर के बॉडी में ग्रो हुई थी। शी वॉज डिलीवर्ड इन अ हॉस्पिटल एंड ब्रॉट, वो हॉस्पिटल में डिलीवर हुई थी एंड घर लाई गई थी। अंगद वंडर वेयर शी वुड स्लीप एंड व्हाट शी वुड ईट। अब अंगद जो था वो वंडर कर रहा था कि वो क्या कहाँ सोती होगी, कहाँ खाती होगी। तो अब अगले एपिसोड में हम लोग चेंजिंग फैमिली सिस्टम इन इंडिया पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड और हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।